नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यूं तो हमारा प्रदेश राजस्थान अपने आंचल में विभिन्न सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए हैं, लेकिन इन सभी सांस्कृतिक आयोजनों से अलग हटकर हाड़ोती अंचल के कोटा जिले में माँ अन्नपूर्णा नदी के पावन तट पर बसे हुए सांगोद नगर की सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अनोखी और अनूठी है। वैसे तो सांगोद का इतिहास गौरवपूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन इनमें बात की जाए सांगोद नान की तो ये अपने आप में ही पूरे विश्व में विख्यात है। कहा जाता है कि सांगोद नान लोक उत्सव की यह परंपरा करीब 400 से 500 वर्ष पुरानी है, जो लगातार 400-500 सालों से आज भी निरंतर जारी है। जी हाँ, उसी सांगोद नगर से मैं मेघांशी स्वर्णकार आपको वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज मैं सांगोद की इस अनूठी विरासत, इस अनूठी लोक परंपरा नान लोकोत्सव के संदर्भ में कई रोचक बातें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कलकल करती बहती यह है उजाड़ नदी। लोग इसे माँ अन्नपूर्णा और उजाड़ेश्वरी के नाम से भी जानते हैं और पूजते हैं। इसी उजाड़ नदी के किनारे बसा है सांगोद कस्बा। कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित सांगोद कस्बा आज भी भारत की प्राचीन संस्कृति एवं रियासत काल की कई परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए हैं। नान लोकोत्सव भी इनमें से एक है। नान लोकोत्सव के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई थी। नान लोकोत्सव इस नगर की सैकड़ों वर्षों पुरानी एक सांस्कृतिक परंपरा है, एक सांस्कृतिक विरासत है। माना जाता है कि कोटा दरबार ने अपने सांगोद निवासी एक राजकर्मी के आग्रह पर राजसी वैभव से शाही ठाट बाट के साथ सांकेतिक रूप से बादशाह की सवारी निकालने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था। नान लोकोत्सव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सिर्फ दो दिन बाजार यानी नान अखाड़ा चौधरी पाड़ा पक्ष का नान होता था। आयोजन में विवाद हुआ तो आयोजन में दो पक्ष बन गए। कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने दोनों पक्षों का समझौता करवाया और आयोजन में दो दिन बाजार एवं दो दिन खाड़ा पक्ष के आयोजन को लेकर समझाइश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में इसकी सहमति भी बनी। तब से यहाँ दो दिन बाजार एवं दो दिन खाड़ा यानी नान खाड़ा अखाड़ा चौबे पाड़ा का आयोजन होता है। फुरमन की नींव धर, फुरमन की नींव धर, बर्फी की भीत धर, फुरमन की नींव धर, बर्फी की भीत धर, जलेबी के झरोके से कुंजन के कंगूरे दर, एड़न के भुज दर, एड़न के भुज दर, केसर कस्तूरी के रंग भर, इलायची की कील जड़, इलायची की कील जड़, पतासे के चौकदार जल्दी से बुलवाए दे, बुढ़ियन की जाजम, बुढ़ियन की जाजम, मोहन भोग के गलीचे, बुढ़ियन की जाजम, मोहन भोग के गलीचे, खीर के ताल बासुंदी की तलैया, अहत नंद नंदन तू, अहत नंद नंदन तू, ये तो कोट किला बनवाए के ग्वाल बालन को लुटवाए दे। यो नान तमाशो मत समझो या पुरखा की अमर निशानी छे। और आज उसी सांस्कृतिक विरासत को हम 5 दिवसीय नान लोकोत्सव के रूप में होलिका दहन के बाद से निरंतर मनाते आ रहे हैं। यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। हर साल मनावा चामा जी ने होली जल जाबा के पाछे, और घूगरी गालवा जावा चामा गड़गड़ाहट नगारा के बाजे। सगड़ों को सगड़ो अंतजाम, सगड़ों को सगड़ो अंतजाम, माँ करा घूगरी के माई, और हुक्का चाले बजे धमाका, बारठ बजावे शहनाई। सबलो प्रताप भवानी को, सबलो प्रताप भवानी को, जो नहारा की करे सवारी से, ई नानी तमाशो मत समझो या पुरखा की अमर निशानी से। उजाड़ माई पगलिया धोए, खींचा का महल सुहावे छे, और सांगो ज्ञान सु प्यारो छे, कवि हुका वीरस सुनावे छे, और नरसिंह जी में गोठा करवा, और नरसिंह जी में गोठा करवा, लो लोग लुगाई जावे छे, हरिया भरिया छे बाग बगीचा, कोयला गीत सुनावे छे, और सांगोद का कण कण में रंगी वहां बलबीरा की कुर्बानी छे। यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। कर रूपाली धरती सुनू उगल, और मीणाई पर ललचाया छा, और चंदा को एक टुकड़ो छो गुजरी पर हरसाया छा, और गुजर मीणा में जंग छिड़िया, और गुजर मीणा में जंग छिड़िया, और गुजर जीतिया मीणा हारिया, और सांगा पटेल को कटियो मात पर ढूंढ लड़ियो बरी मारिया, और यो सांगा पटेल को थानक भी इन धरती की कुर्बानी छे। यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। घोड़ा पे अमराव सजा बैठा, लो घोड़ा ठप 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 बढ़ता जावे, रजवाड़ी ठाड़ गणो छोको मानो यू बेरिया पे चढ़ता जावे, जो छिड़ी लड़ाई बेरिया सू, जो छिड़ी लड़ाई बेरिया सू, वहां की याद पुरानी छे। यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। जब जादू मंत्र हर साया जा,
जब जब बाण मतिया भी हारी थी, जब जादू मंत्र अर्थ है था, तो सांग का जान तेरा न जब अपना हाथ दिखाया था, वह बाता न ताजी करवा, वह बाता न ताजी करवा, माता सब न खेल दिखावा था, और नाचा कूदा गावा बजावा, इमई छिपी कहानी से यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी से। और सूरा को सांग देखता ही, सूरा को सांग देखता ही, सूरा को सांग देखता ही, लो के वाट याद आ जाओ छे, सूरा को सांग देखता ही, लो के वाट याद आ जाओ छे, और धन धन वाट थारी माई आता पर जीव गावे छे, और खून हो जो जो पर फाजे नाट्यो रण खेता में गावा सु लोई भरियो जो, और नदी भरी थी रेता में, धन धन के वाट थारी माई और धन थारी जिंदगानी छे, यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। कर राजा छत्रसाल जी ने, राजा छत्रसाल जी ने तेगा नंगलाया कोटा में, राजा छत्रसाल जी ने तेगा नंगलाया कोटा में, तो धन्य तो मर गयो पर गोपी उगलियो कोटा में, जत सुई तलवारा नंगल, जत सुई तलवारा नंगल, राजा छत्रसाल जी ने, राजा छत्रसाल जी ने तेगा नंगलाया कोटा में, तो धन्य तो मर गयो पर गोपी उगलियो कोटा में, जत सुई तलवारा नंगल, ये सांगो जरा का बेटा छे, तन गयो आबरू न जावा दी, अशा मन गल बेला छा, जो जो मर गया ही गांव के खातिर, वहाँ की या याद पुरानी छे, यो नान तमाशो मत समझो, पुरखा की अमर निशानी छे। यूं तो होली देश भर में विभिन्न तरीकों से मनाई जाती है, लेकिन फिर भी सांगोत में सांगोत का नहान लोकोत्सव इन सभी में सबसे अलग स्थान रखता है। 5 दिनों तक चलने वाले नहान लोकोत्सव में रंग गुलाल नहीं होता, लेकिन फिर भी 5 दिन तक नहान लोकोत्सव के दौरान स्थानीय लोग होली की मस्ती में सराबोर रहते हैं। करीब 450 साल पुरानी इस रियासतकालीन लोक संस्कृति की यह परंपरा आज भी जारी है। 5 दिनों तक पूरा कस्बा नहान के रंग में रंगा होता है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस लोकोत्सव का इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। वीर सांगा के नाम से बसे सांगोत कस्बे में नान के दौरान ही सांगा जी की भी पूजा अर्चना होती है। सांगा जी गुर्जर के बारे में कहा गया है कि बरसों पहले 2 जातियों में विवाद हुआ, तो सांगा जी गुर्जर ने इस विवाद में योद्धा की भूमिका निभाई। लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गए। मान्यता है कि इसी लड़ाई में शरीर से उनका सिर कट गया, लेकिन उन्होंने फिर भी लड़ाई लड़ी। आज भी उनके सिर की सांगा मोहल्ला में पूजा होती है, तो धड़की शीतला चौक में पूजा की जाती है। नाण में पड़त के दिन सांगा जी की पूजा अर्चना होती आ रही है। कोटा से 60 किलोमीटर दूर मां अन्नपूर्णा उजाड़ नदी के तट पर बसा हुआ सांगोद नगर आज भी अतीत की कई परंपराएं अपने आंचल में समेटे हुए हैं। इनमें सबसे अलग और विख्यात है नहान लोकोत्सव। 5 दिनों तक चलने वाले नहान लोकोत्सव के बारे में कहा जाता है कि कोटा रियासत के जमाने से सांगोद में नहान लोकोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। राजा महाराजाओं के शासन के दौरान शुरू हुआ लोक संस्कृति का यह अनूठा आयोजन आज भी उसी शान और शौकत से यहाँ अनवरत जारी है। सांगोद नहान लोकोत्सव के दौरान बरसों पुरानी राजसी परंपरा का भी बखूबी चित्रण होता है। बाजार एवं खाड़ा दोनों पक्ष की सवारी में सजे धजे अश्वों पर अमीर उमराव सवार रहते हैं, जो रियासतकालीन धनांडे लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हैं। बादशाह की सवारी में आज भी दोनों पक्षों की ओर से बादशाह को पूरे शानो शौकत से घुमाया जाता है। बाजार पक्ष के बादशाह को पालकी में, तो खाड़ा पक्ष के बादशाह को अधिकांश समय हाथी पर सवारी में भ्रमण करवाया जाता है। बादशाह की यह सवारी भी पूरी राजसी व्यवस्थाओं को केंद्रित करती नजर आती है। अरे मैं माँ का हूँ, भर्ती का मालिक हूँ, सांगोद ब्रह्मांड का मालिक हूँ मैं, ये भवानी रैया में जिंदा रहूँगा। बस मेरा एक इच्छा है कि सब हमेशा चलता रहे नान, बस नान के लिए प्रकाश कर रहा हूँ मैं, तो गाँव का विकास अपना अपना विकास ही अपना। यूं तो यहाँ वर्ष पर्यंत सभी धर्मों के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, लेकिन नहान लोकोत्सव के दौरान पूरा कस्बा दो पक्षों में बटा नजर आता है। पहला पक्ष नहान अखाड़ा चौधरी पाड़ा, तो दूसरा पक्ष नहान खाड़ा अखाड़ा चौबे पाड़ा बन जाता है। लोकोत्सव के पहले 2 दिन चौधरी पाड़ा व अंतिम 2 दिन नहान खाड़ा पक्ष के आयोजन होते हैं। पहले दिन 12 भाले और दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग इस लोकोत्सव में शामिल होते हैं। नान लोकोत्सव में देखा जाए तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन लोगों में नान को लेकर उत्साह आज भी बरकरार है। बिना कोई आमंत्रण एवं सूचना के लाखों लोग आयोजन में शामिल होते हैं। दोनों पक्षों की सवारी को देखने
परंपरागत रास्तों पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। मकानों एवं दुकानों की छतें लोगों से टसाटस भरी रहती है। खाड़े के नाड़ में दूर दराज के भी बड़ी संख्या में लोग सांगोद पहुंचते हैं। सवारी के दौरान अपने चुटिले पूर्ण अंदाज में लोगों का मनोरंजन करते स्थानीय कलाकार आज भी नाण की परंपरा को जीवित रखे हैं। ए दादा राम राम रो राम राम मुचु बूंदी दो लोहार ताका लेकर आयो तीन तोड़ा दी कढ़ाई वाबी ताका समझ में ना आई मुँह ताका लेकर खर्चू प्राणो ऊंडो ऊंडो आडो उड़ो सूडो सरकारो रो वेड़ारा बाग में आ जाओ और बाकी रो काम कराणो तो ही माई भाईरी का पास आ जाओ। नाण लोकोत्सव के दौरान दोनों पक्ष अपने आयोजन में स्वांगों के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। द्विभाषीय संवाद और चुटीले पूर्ण अंदाज से स्वांग लोगों का मनोरंजन करते हैं। लोकोत्सव में दोनों पक्षों की ओर से निकाले जाने वाली बादशाह की सवारी आज भी पूरे शान और शौकत से निकलती है, तो ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी राजसी संस्कृति आज जीवित हो उठी हो। लोकोत्सव में सवार के दौरान अश्वों पर सवार अमीर उमराव और दूर दराज से आने वाले किन्नर इनकी शोभा बढ़ाते हैं। नाण लोकोत्सव के दौरान यहाँ राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों से भी किन्नर पहुँचते हैं। सांगो नाण लोकोत्सव माँ ब्रह्माणी के आशीर्वाद से होता आ रहा है और कहा जाता है कि माँ ब्रह्माणी के प्रति किन्नर समाज में भी बड़ी आस्था है। ऐसे में बिना कोई मेहनताने एवं पैसों के बड़ी संख्या में किन्नर अपनी मर्जी से नाण लोकोत्सव में आते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। किन्नरों में भी पक्ष की परंपरा रहती है। जो किन्नर बाजार पक्ष में शामिल होते हैं वो फिर खाड़े की सवारी व अन्य आयोजनों में शामिल नहीं हो सकता। मुझे यहाँ आए हुए 15 साल हो गए, मैं हर साल आती हूँ। हमारे परिमणि माता का मंदिर है, हमारे कुल देवी है वो, और नाण के नाण बढ़ता है यहाँ पे, खाड़े का नाण और बाजार का नाण। बाजार के नाण में अलग किन्नर नाचते हैं, खाड़े के नाण में अलग किन्नर डांस करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और सांगोद की जो पब्लिक जनता है हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमारी सहायता करती है पूरी सांगोद की पब्लिक, और हमेशा करती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, जब तक करती रहेगी। हमारी बुजुर्ग परंपरा चलती आई है, सरू से परंपरा चलती आई है हमारी। ये उमराव बनते हैं यहाँ पे, हम लोग किन्नर लोग डांस करते हैं यहाँ पे, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमारी बहुत इज्जत करते हैं सांगोद के अंदर। समय के साथ नाण लोकोत्सव में किन्नरों की वेशभूषा में भी काफी बदलाव आया है। पहले यहाँ आने वाले किन्नर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का रंग अब यहाँ भी चढ़ने लगा है। आकर्षक परिधानों में सजे किन्नर डीजे पर बजते गीतों पर नृत्य करते हैं, तो इन्हें देखने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई इनके नृत्य को एकटक देखता रह जाता है। बादशाह की सवारी से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में निकलने वाली विभिन्न देवी देवताओं की सवारी ऐसा आभास करवाती है जैसे मानो साक्षात स्वर्ग से विभिन्न देवगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने इस नाण लोकोत्सव में आए हों, और इनमें नवदुर्गा के स्वरूप इस सवारी के मुख्य आकर्षण होते हैं। नाण लोकोत्सव में भवानी की सवारी सबसे आकर्षक रहती है। माँ दुर्गा समेत विभिन्न देवी देवताओं की सजीव झांकियों को परंपरागत मार्गों से निकाला जाता है। पारंपरिक लोकगीत एवं धुन के बीच निकलती भवानी की सवारी हर किसी को अपनी जगह पर खड़े रहने को मजबूर कर देती है। सुबह 3 से 4 बजे शुरू होने वाली इस भवानी की सवारी को देखने भी लोगों की भीड़ उमड़ती है। सांगोद का नाण लोकोत्सव अपने हैरत अंगेज करतबों और काले जादू के लिए भी जाना जाता है। दोनों पक्षों की बादशाह की सवारी के दौरान स्थानीय युवकों द्वारा किए जाने वाले करतबों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जादुई कारनामों को देखने यहां लोगों की भीड़ उमड़ती है। 60 फीट ऊंचे खंभे पर गोल गोल घूमना हो या फिर ऊंचाई से बंधी रस्सी से सीने के बल रिसकते हुए नीचे आना हो, ऐसे कई करतब और लोगों को रोमांचित कर देते हैं। यहां लोगों का जोश और उत्साह आज भी देखते ही बनता है। कई फीट ऊंचाई के पेड़ पर बंधे रस्से को गले में फांसी का फंदा लगाकर जब युवक नीचे रिसकता हुआ आता है तो लोगों की सांसें सी अटक जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा रस्से पर सीने के बल रिसकते कलाकार को देखकर होता है। नाण के ऐसे ही आयोजन आज भी इसको अन्य आयोजनों से अलग रखे हुए हैं। सांगोड़ नाण लोकोत्सव के दौरान आज भी कई परंपरागत स्वांग ऐसे हैं जो लोगों को गुदगुदाने के साथ पुरानी अतीत की यादों को याद दिलाते हैं। बैलगाड़ी पर सवार कपड़े के व्यापारी का सांग हो या फिर व्यापार में घाटे का बखान करते सेठ मुनीम एवं सेठानी का स्वांग हो, इनके चुटिले पूर्ण बातें सुनकर हर कोई शख्स आनंदित हो उठता है। फकीर लुहार परिवार साधु संत लेला मजनू जैसे स्वांग लोगों को पुराने अतीत की यादों में ले जाते हैं। मथुरा मथुरी चुड़ैल
कोड़े मारते युवक जैसे कई स्वांग लोगों को भीड़ से तितर बितर करने के लिए काफी होता है। कोटारी दुकान में, जयपुर की दुकान में, अहमदाबाद की दुकान में, काठियावाड़ की दुकान में, अलसीरा भोपाल में, चढ़ारा भोपाल में, धनारा भोपाल में, रुईरा भोपाल में, घाटो एक बातो है मुनीम साहब, कोटारी दुकान में, जयपुर की दुकान में, अहमदाबाद की दुकान में, काठियावाड़ की दुकान में, धनारा व्यापार में, चढ़ारा व्यापार में, अलसीरा व्यापार में, घाटो घाटो है सेठ साहब, अहमदाबाद की दुकान में घाटो, काठियावाड़ की दुकान में घाटो, अलसीरा भोपाल में घाटो, चढ़ारा भोपाल में घाटो, धनारा भोपाल में घाटो, घाटो ही घाटो, घाटो बाजो सब मारा तकदीर को है। सेठ का घर में काऊ बात की कमी नहीं, सेठ लोग सैकड़ा का लेवे, सुपारी सैकड़ा का देवे, ये मनीम राव बच्चा ने सारी जायदाद के बट्टो लगा के रख दी। और इस विरासत कालीन लोकोत्सव की, नहान लोकोत्सव की खास बात यह है कि इसका ना तो कोई प्रचार प्रसार होता है और ना ही इसकी कोई आयोजन समिति है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं, इस आयोजन के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। स्थानीय युवक या हम यूं कहें कि न्हाण के कलाकार अपने अपने तरीकों से स्वांग लाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन की भूमिका भी सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित रह जाती है, और आज इसी का परिणाम है कि सांगोद का न्हाण लोकोत्सव आज भी लोक संस्कृति की छटा देश भर में बिखेर रहा है। सांगोद नान लोकोत्सव यूं तो 5 दिनों तक चलने वाला एक मनोरंजन आयोजन जरूर है, लेकिन भारतीय रियासतकालीन संस्कृति एवं परंपरा को जीवित रखने का एक माध्यम भी है। नान जैसे आयोजनों के जरिए आज भी युवाओं के जहन में रियासत काल की यादें जीवित रहती है। नान लोकोत्सव में हर उम्र हर वर्ग के लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं, बच्चा हो या फिर युवा या बुजुर्ग, हर कोई नान आयोजन में रंगा रहता है। अमीर गरीब का भेद भूलकर लोग आज भी अपने पुरखों की इस अमर निशानी को जीवित रखने में योगदान दे रहे हैं। नहाने चली बाग में महादेव का मंदिर, धोने चली तीर पे गंगा, तीर ऊपर नीर बेटी जय मेरी गंगा, गंगा में नहाने का बड़ा धर्म बताया, सीता ने हनुमान को लंका पे चढ़ाया, माला बना के डाला था लाला के कान में, क्या धुन लगा के सुन रहा है साला बाजार में, ये बामन का चोकरा है डंडी न मारना, आया हूँ तेरे दीद पे बेदीद हो चला, चुम चाम चौकटी ताबीद हो चला, तेरे घर पे कुछ करके हटूंगा, ले कर दे मेरा फैसला मैं मर के हटूंगा, अगोरी थोड़ा रुपया रुपए पे लग, तेरी भाभी के देवन पर देवर पकीर, खुश रहो आबाद रहो। 5 दिनों तक चलने वाले नान आयोजन की एक खासियत यहाँ बनने वाली जलेबी एवं सेव भी है। खासकर खाड़े के नान के दौरान सैकड़ों क्विंटल जलेबी एवं सेव की बिक्री यहाँ होती है। नान देखने आने वाले लोग अन्य चीजों की खरीदारी भले ही न करें, लेकिन नान की जलेबी एवं सेव के स्वाद का लुत्फ उठाना नहीं भूलते। 4 दिनों तक यहाँ हलवाई की दुकानों पर जलेबी एवं सेव की जमकर बिक्री होती है। खाड़े के नान के अंतिम दिन बादशाह की सवारी के दौरान यहाँ पूरा बाजार जलेबी एवं सेव की महक से सुगंधित रहता है। नान आयोजन में पारंपरिक लोकगीतों की भूमिका भी अहम रहती है। हालांकि समय के साथ लोकगीतों का महत्व लोकोत्सव से कम होता जा रहा है, लेकिन बैंड बाजे पर बसते बोल संकरिया रे, नगीनो मारो गमग्यो रे जैसे पारंपरिक लोकगीत लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। बैंड बाजों की जगह अब डीजे पर बसते आधुनिक गीतों ने ले ली है, इससे लोकगीतों की चमक कम हो गई है। Oh, yeah.
तो हमारा आपसे यही आग्रह है, अगर आपने अभी तक सांगोद की ये लोक संस्कृति, ये लोक परंपरा नहीं देखी हो, तो हमारा आपसे आग्रह है आप एक बार ज़रूर आएँ और हमारी इस लोक संस्कृति से रूबरू होकर हमारा मान बढ़ाएं।